नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और आज आप लोगों को आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत 2009 में जो एक नियम लागू हुआ था, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको हम लोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसके अंतर्गत जो है एक प्रश्न सीटेट में और जेटेट में पूछा जाता है अक्सर। तो आज हम लोग जो है इसको हम लोग आज जानेंगे, ये जो नियम है यह नियम क्या है, कहाँ लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग आज इसमें करेंगे। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये जो है इसको इंग्लिश में है राइट टू एजुकेशन, आरटीई एक्ट 2009। इसमें क्या हुआ था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यानी जितने भारत में बच्चे हैं, सब बच्चों को, जो 6 साल से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क, अब उसमें शिक्षा में जो है पैसा नहीं लगेगा, और अनिवार्य उसको करना, शिक्षा लेना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे भारत का प्रत्येक बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना भविष्य उज्जवल कर सके तथा इसके साथ ही देश की उन्नति में सहयोग प्रदान कर सके। ठीक है, अब यहाँ यह जो शिक्षा का अधिकार का अधिनियम, यह क्या है, आप समझ गए कि यह जो भारत सरकार ने इसके अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान देने का प्रावधान किया गया है। यह लागू कब हुआ था, तो लागू है शिक्षा का अधिकार का निर्माण 2009 में हुआ था, और इससे इसे 9 में ही हो गया था, लेकिन इसका जो शुरुआत जो है लागू किया था अप्रैल 2010 में, यह लागू कर दिया पूरा भारत में। लेकिन जो है ये जम्मू कश्मीर जो है अपवाद में है, या वहाँ पर छोड़कर भारत में सभी जगहों में यह 2010 में इस नियम को लागू कर दिया गया था। आप समझ गए लागू कब हुआ था, 2010 में। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिससे भारत का प्रत्येक बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना भविष्य उज्जवल कर सके तथा इसके साथ ही देश की उन्नति में सहयोग प्रदान कर सके। लागू कब हुआ था, तो 2010 में लागू हुआ था। बन के रेडी कब हुआ था, तो 2009 में बन के रेडी हुआ था। आरटीई ऑफिशियल नाम क्या है, जो है इसका, इस अधिनियम में आरटीई का ऑफिशियल नाम द राइट ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009, निशुल्क और निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2000 अधिनियम 2009, या जो है दिसंबर 2002 अनुच्छेद 21A भाग 3 के माध्यम से 86वें संशोधन में, कितने से संशोधन, 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। तो यह कब माना गया, 2002 में, दिसंबर 2002 में जो है, अनुच्छेद किस में है, तो 21A में भाग 3 में के माध्यम से, किसना संशोधन, तो 86वें संशोधन विधेयक में जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। इसमें जो है आरटीआई 2000, इस अधिनियम आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर में छात्र एवं शिक्षक का जो अनुपात होगा 30:1, यानी बच्चा 30 तो रहेगा तो एक शिक्षक का आवश्यकता होगा उसमें। जो प्राथमिक कक्षा 1 से 5 का जो कक्षा लेवल है, उसमें जो कहा गया है कि जो उसका अनुपात होगा, रेशियो होगा टीचर और स्टूडेंट का, तो टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो होगा 30 बच्चा होगा तो उसमें एक टीचर का आवश्यकता है। दूसरा है कि आरटी 2009 के अनुसार उच्च जो
ये तो प्राथमिक स्तर का हो गया, और उच्च स्तर का जो बात होगा जिसमें क्लास रहेगा तो उसमें शिक्षक का जो है वह 35 बच्चा रहेगा तो एक टीचर का आवश्यकता होगा। उच्च प्राथमिक स्तर में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात जो है 35 जो है स्टूडेंट है और एक टीचर का आवश्यकता होगा। न्यूनतम कार्य दिवस कितना देर पढ़ाना होगा स्कूल में, तो 200 दिन और 800 घंटे प्राथमिक स्तर के लिए यह है, और उच्च स्तर के लिए है 220 दिन 1000 घंटा जो है उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूलों के लिए यह नियम लागू किया गया। अब जो है हम लोग जो है आरटी एक्ट जो है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आरटी एक्ट यह जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दूसरा पॉइंट है 6 से 18 वर्ष के विकलांग बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वार्य शिक्षा। तीसरा पॉइंट है बच्चों को 25% आरक्षण 25% देने का जो है अधिकार है। इसमें कहा गया है, इसमें एक्ट के अंदर में क्या है एक्ट है, तो इसमें पहला पॉइंट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का नियम है, और 6 से 18 वर्ष के विकलांग बच्चों को के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। और जो बच्चों में जो प्राइवेट स्कूलों का जो बच्चे हैं होते हैं इसमें जो है 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सभी स्कूलों में पूरे भारत में यह नियम लागू किया गया है। 1 से 5 कक्षा तक बच्चों के घर से विद्यालय की दूरी घर से विद्यालय की दूरी
एक किलोमीटर। जो बच्चे एक से कक्षा एक से पांच के बच्चों के लिए जो है इस एक्ट के अंतर्गत में है, उसका दूरी कितना होना, स्कूल कितना दूरी में होना चाहिए बच्चों का, तो 1 किलोमीटर के अंतर्गत ही होना चाहिए। और जो ये तो प्राथमिक स्तर का हो गया, उच्च प्राथमिक स्तर का जो होगा, उच्च मिक के बच्चों के घर से 1 विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर। प्राथमिक स्तर का जो होगा कक्षा 1 से 5 तक का होगा, और उच्च स्तर का जो प्राथमिक होगा वह जो है 3 किलोमीटर के दूरी के अंतर्गत में जो है यह स्कूल होना चाहिए। यह RTE एक्ट के अंतर्गत में आता है। अब दूसरा जो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट मैनेजमेंट कमेटी जिसको हम लोग जो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SMC, यह जो है RTE के अनुसार SMC का अध्यक्ष अध्यक्ष होता कौन होता है, अभिभावक या पेरेंट, अभिभावक होता है। चलिए, इसमें बोला गया था कि जो है जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो है SMC का जो अध्यक्ष होता है वह अभिभावक होता है। RTE 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है, शिक्षा का वकालत करता है, लत करता है। ये जो है आपका RTE जो शिक्षा अधिनियम 2009, ये पूरा चैप्टर जो है आप सीख गए। अब जो है इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न को हम लोग जो है हल करेंगे, देखेंगे उसमें किस प्रकार का प्रश्न है, उसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे, उसको पढ़ याद करेंगे कि यह किस प्रकार का कैसे कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न को शॉर्ट में ही करने का ये करते हैं। पहला जो है प्रश्न है, क्वेश्चन, पहला है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2000 कब लागू किया गया है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट
2009 कब लागू किया गया है, कब लागू किया, ये प्रश्न है। तो आपका उत्तर है जो यहां है वह कब लागू किया गया है, तो 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को यह नियम जो है लागू है, केवल जो है जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। दूसरा प्रश्न है, निशुल्क ओ से निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? निशुल्क निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, किस अनुच्छेद छेद में जोड़ा गया। चलिए, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तो 21 का ए, अनुच्छेद 21 का ए में जोड़ा गया है। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा अधिकार के अधिनियम के तहत शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षा में छात्र एवं शिक्षक शिक्षक का अनुपात क्या है। तो जो अभी हम लोग पढ़े, जो प्राथमिक कक्षा में जो शिक्षक का और टीचर जो स्टूडेंट का रेशियो जो था 30:1 था। चलिए, अगला प्रश्न है, नौ के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम 5 घंटे कार्य होते हैं, कितने घंटे कार्य होते हैं? तो यह आंसर जो है 45 घंटे। टीचर को एक सप्ताह में कितना कार्य होना चाहिए? 45 घंटा उनका जो है होना चाहिए।
अगला जो है क्वेश्चन है, को लोकसभा में कब पारित किया गया है? लोकसभा में कब पारित किया गया? तो आपका जो आंसर है 4 अगस्त 2009 को, 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। छठा जो प्रश्न है वह है, यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे होते बच्चे होते तो होते तो इसके लिए क्या प्रावधान है? होते तो इसके लिए क्या प्रावधान है? तो इसके लिए जो क्या है, एक प्रधानापक और 5 शिक्षक। सातवां जो है प्रश्न है, एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? एसएमसी का अध्यक्ष अध्यक्ष कौन होता है? तो ये इसका आंसर जो है अभिभावक या पेरेंट। ठीक है, अगला जो है प्रश्न है, किस धारा में प्राइवेट शिक्षक जो है
प्राइवेट ट्यूशन ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है पढ़ा सकता है। तो यह धारा कितना है, किस धारा में बताया गया है, तो धारा 28 में बताया गया है। यह 28 धारा में बताया गया है कि जो स्कूल जो टीचर है वो अपना जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। शिक्षा अधिनियम में शिक्षा अधिनियम शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात का वर्णन है, अनुपात का वर्णन है, तो आपका जो है आंसर है धारा 25 में, धारा 25 में शिक्षक और छात्र का जो रेशियो है वह उसका वर्णन है। उच्च बच्चे होने पर नियुक्ति होगी, तो है 100 से अधिक। अगर 100 से अधिक यदि बच्चा स्कूल में रहेगा तो क्या होगा, उसमें एक प्रधानाध्यापक का जो है वह नियुक्ति होगा। प्राइवेट स्कूल में जो सरकारी स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाते हैं वह जो है उनको जो है प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने का अधिकार नहीं है। यह किस धारा में वर्णन किया गया है, धारा 28 में यह वर्णन किया गया है। शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात जो है जो प्राथमिक क्लास 1 से 5 में है तो उसका रेशियो है 30:1 और जो है 6 से 8 का जो है यह 35:1 का रेशियो जो है दिया गया है इसमें है, या 10 और ज़्यादा भी हो तो यह हाई स्कूल के लिए भी या मिडिल स्कूल के लिए भी सारा में वर्णन किया गया है। बच्चा यदि स्कूल किसी स्कूल में बच्चा यदि 100 से अधिक है तो उसमें क्या होता है कि एक प्रधानाध्यापक जो है हेडमास्टर का बहाली करना अनिवार्य हो जाता है। तो आप लोग ने जो शिक्षा अधिनियम 2009 का जो पूरा जो एक्ट है यह कब लागू किया गया है, कब किस प्रकार से बना, यह सारा चीज़ जो है आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं, अब पढ़ चुके हैं। यह इस जो कंपटीशन का एग्ज़ाम के उद्देश्य से इस पाठ को जो सीटेट में जो अक्सर पूछा जाता है, एक प्रश्न आपका हमेशा यह पूछा जाता है, जिससे आपका अगर आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे तो आपको जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि आप इस चैप्टर से जो है आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा।